सरला जी, जी सच कहती हूँ, मैंने कभी किसी इंसान को इतना बेबस नहीं देखा है। मेरा मतलब है, जानकी जी को देखकर मेरा दिल भर आया। बड़ी हिम्मत वाली औरत है, उन्होंने हमें जो बातें बताई, मेरा मतलब है आंखें झपकाकर जो हमें जवाब दिए, उससे तो यही समझ में आता है कि कोई तो इंसान है जो हम दोनों परिवारों के विरुद्ध जा रहा है, जो हमें तकलीफ पहुंचाना चाहता है। वाकई में जानकी जी बहुत हिम्मत वाली है, एक बार नहीं बल्कि दो दो बार मौत के मुंह में चली गई हमारे परिवारों को बचाने के लिए। मैं तो यहाँ आई थी आपको मेहंदी का न्योता देने के लिए, अब मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन जानकी जी की बातों से तो यही समझ में आया कि कोई इंसान है जो हमें चोट पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब तो जानकी जी का मेहंदी की फंक्शन में होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फंक्शन में लगभग वो सारे लोग होंगे जो प्रीता के रोके में कुमकुम भाग्या हॉल में थे जब आग लगी थी। जानकी के होने से शायद वो पहचान जाए कि वो इंसान कौन है जो हम दोनों के परिवारों को चोट पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये तो अब सिर्फ जानकी ही पहचान पाएगी। सरला जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कैसे भी करके प्लीज जानकी जी को अपने साथ जरूर ले आना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं राखी जी, सच में जानकी ने अपनी आंखें झपका के हमें ये तो बता दिया कि जो कोई भी है ना, वो हमारे परिवार का नहीं है, बाहर का है। कोई ऐसा है जो आपके और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और होना हो वो जरूर उस फंक्शन में जानकी को भी नुकसान पहुंचाना चाहेगा। हम उसे पकड़ सकते हैं ना, बहुत सह चुकी है वो, अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे ही जानकी उस शैतान को पहचान के हमें इशारा करेगी, उसे छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बीजी। सल्ला जी, अब कल का इंतजार रहेगा, आप लोग जरूर आइएगा। नमस्ते बीजी। नमस्ते बेटा। सरला, मेरा तो ना सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। आखिर वो कौन है इंसान जो हम लोगों को इतना नुकसान पहुंचाना चाहता है? परिवार का नहीं है, ये तो बात साफ हो गई। जो कोई भी था ना, रोके के मेहमानों में से ही कोई एक था। पीजी, आप ज्यादा परेशान मत हो, तो जो कोई भी है ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उस तरफ प्रीता जी, ये कितनी इरिटेटिंग चीज है ना हमारी सिटी की, मतलब पार्किंग हमेशा दूर करनी पड़ती है, 1 किलोमीटर दूर। दिस इज सो अननोइंग। अंकल 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 ले लो ना प्लीज। प्लीज अंकल प्लीज, अंकल उन ले लो ना प्लीज। एक बार कहा ना नहीं चाहिए। दीदी दीदी ले लो ना, ये ले लो ना प्लीज। दीदी प्लीज, दीदी प्लीज ना, नहीं चाहिए। दीदी एक तो ले लो प्लीज। प्लीज दीदी, आप ना इसे अपने बॉयफ्रेंड को दे देना। अगर आप आज के दिन उसे ये फूल और बलून दोगे तो वो आपको जिंदगी भर प्यार करेगा। इन चीजों में ना ऐसा ही जादू होता है दीदी। ऐसा कोई है ही नहीं मेरे पास। कोई तो होगा, आप इतने सुंदर दिखती हो। ओ, शायद आपके पास पैसे नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आप ये फ्री में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो। कितने के हैं ये सारे बलून? 300 रुपीज। ये तुम रख लो, और जिन्हें तुम पसंद करते हो उन्हें जाकर दे दूं। ओके? रीता जी, ये बलून्स आपने उनसे क्यों खरीदे? वो गंदे रोड साइड भिखारी बच्चों से, पता नहीं वो लोग ये कहां से लाकर हम लोगों को ये बेचते हैं। इनमें बहुत जर्म्स होते हैं, प्लीज आप हटाइए इन्हें। आपने क्यों लिए ये बलून्स उनसे? वो बच्चे बेचारे सुबह से बलून्स बेच रहे हैं, कोई बलून बिका ही नहीं। मैंने सोचा उनकी हेल्प हो जाएगी। पर प्रीता जी, ये एकदम एकदम लो स्टैंडर्ड, एकदम थर्ड ग्रेड चीज है, एकदम अनहाइजेनिक है ये।
आपको थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए ना, हमारी शादी होने वाली है तो आप प्लीज फेंक दीजिए इसे, ये बहुत गंदे हैं। एक्सक्यूज मी, ठीक है मैं तुम्हें हवा में छोड़ देती हूँ, पता नहीं किसके नसीब में होगे तुम। उम्मीद करती हूँ कि जिसे भी मिलो वो तुम्हारी कद्र करे, कोई ऐसा इंसान जो असली मायने में प्यार के लायक हो। ये प्यार की निशानी बस ऐसे ही किसी इंसान को मिले। जी आइए। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जहां लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना था। प्रीता जी जी, आज आपके दोस्त करण ने मेरी बहुत इंसल्ट की, और आज तो आपके दूसरे दोस्त ऋषभ ने भी उसका सपोर्ट किया। उन दोनों ने मिलकर मेरी इतनी इंसल्ट की, मेरे कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी को कितनी ठेस पहुंचाई उन्होंने। तो जाहिर सी बात है ना कि मेरे मन में इतना गुस्सा भर जाएगा। ओ गॉड, कहीं ये पिछली बार की तरह फिर से हंगामा ना कर दे। पिछली बार बहुत बड़ा ड्रामा हो गया था, बड़ी मुश्किल से सिचुएशन संभाली थी। आई नो, आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहूँ। आई एम सॉरी उन दोनों के बिहाफ पे, मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। ये तो डर गए, देखो इसकी आवाज भी कांप रही है माफी मांगते हुए। फैंटास्टिक, आई लाइक इट। देखिए प्रीता जी, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं चीजों को समझता हूँ। मेरे मन में चाहे कितना भी गुस्सा हो, बिना वजह मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मैं जानता हूं कि आपने मेरी सच्चाई पर बिल्कुल शक नहीं किया, आप तो बस वहां खड़ी थी और उन लोगों की बातें सुन रही थी। आपने मेरी अच्छाई पर बिल्कुल शक नहीं किया, ना ही मुझे बुरा समझा। थैंक गॉड इन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की, वरना माँ पर क्या गुजरती। रीता जी प्लीज रोइए मत इस तरह, आपको पता है रोते वक्त बहुत बुरी लगती है, और जब आप स्माइल करती है ना तब आप दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे प्रिटी लड़की लगती हो। सो प्लीज स्माइल करिए, प्लीज स्माइल मेरे लिए, ये हुई ना बात। अब एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, आपका जो दोस्त है ना करण, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस स्टूपिड इडियट बेवकूफ लड़के की वजह से मेरी आज इतनी इंसल्ट हुई, वो कोई मौका नहीं छोड़ता मेरी इंसल्ट करने का, बिना वजह बात का बतंगड़ बनाता है वो। मैं जानता हूँ आप उसके दोस्त हो, आप लोगों के बीच अच्छी दोस्ती है, लेकिन ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जिसमें आपके होने वाले पति की बार बार इंसल्ट हो। प्रीता जी मुझे आपकी ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप उस करण से दूर रहिए।
देखिए प्रीता जी, मुझे मुझे ना कहीं लगता है कि वो चाहता ही नहीं कि हमारी शादी हो। वो हमारे रिश्ते को नापसंद करता है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे रिश्ते को नापसंद करेगा, मैं भी उसे नापसंद करूंगा। आप बताइए, बिना वजह आप किसी की इंसल्ट कैसे कर सकते हो, वो भी बार बार। क्या जरूरत है दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करने की? वो हर बार हमारे मैटर्स में इंटरफेयर करता है, और ये बात मुझे बिल्कुल नामंजूर है, बिल्कुल पसंद नहीं है। सो प्लीज, आप उस कारण से दूर रहिए। ओके? चलिए, अब सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, आप बैठ सकती है। एक सेकेंड, कहाँ गई आपकी स्माइल? That's better. आइए। करण के बच्चे गिल्ली डंडा प्लेयर, आज तूने मॉल में मेरी जो इंसल्ट किया है ना, जो तमाशा खड़ा किया ना, इसका रिटर्न गिफ्ट तो मैं तुझे देकर रहूंगा। अब तू देख मैं तेरी कैसे वाट लगा देता हूं। करण, दरवाजा खोल। करण दरवाजा खोल, मुझे तेरे से बात करनी है, एक बार मेरी बात तो सुन। करण, करण, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला ना, तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। नहीं खोल रहा है ना? ठीक है, मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ रहा हूं। से खटखटा रहा हूं करण, तो क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है? मेरी बात तो सुन करण, करण मेरी बात तो सुन। क्या हाँ, क्या सुनूं? तू बड़ा होने का हक जताता रहेगा मुझ पर, हाँ? जो मर्जी में आएगा वो करेगा। सबके सामने तूने मुझे थप्पड़ मारा, किस हक से? हाँ, तू बड़ा है तो इसका मतलब डॉन हो गया, जो तेरी मर्जी में आएगा वो तू करेगा। बिल्कुल नहीं, मैं छोटा भाई होने के नाते तेरी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू बड़ा भाई होने के नाते मेरी इज्जत का फलूदा कर दे, समझा? तुझे कोई हक नहीं है। एक मेरी बात तो सुन, मैं तेरे को कुछ बोलूंगा। एक कुछ नहीं सुनना, क्यों सुनूं तेरी बात? तू बड़े भाई होने का हक जताता रहेगा मुझ पर, तेरी मर्जी में जो आएगा तू वो करेगा। तूने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा और मैं तेरी बात सुनू? बिल्कुल नहीं, तू जा यहां से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। जस्ट गो। करण मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन ले, मैं बोल क्या रहा हूं? मैंने तेरे को क्यों मारा उसको मेरे को समझाने तो दे। मुझे कुछ नहीं सुनना, तेरी मर्जी में जो आएगा तू वो करेगा। सबके सामने तूने मुझे थप्पड़ मारा, हाँ? तूने थप्पड़ मुझे यहाँ मारा, लेकिन चोट मुझे यहाँ लगी, समझा तू? मेरी बात सुन, मेरी, तेरे को बुरा लगा मैंने तेरे को थप्पड़ मारा? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, ये ले, मार मेरे को थप्पड़। मार। बोल जल्दी बोल, शालिनी। करण, बोलो। मार मेरे को थप्पड़। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। देख, इससे पहले मैं कुछ गलत कर बैठूं, तू 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 जा यहां से। सॉरी करण। मुझे तेरी सॉरी नहीं चाहिए। जस्ट गो अवे। मेरी तरफ नहीं देखेगा? को पता है ना मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ? इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तेरे से करण, यू अंडरस्टैंड? मुझे मालूम है तेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैंने तेरे को थप्पड़ मारा, लेकिन उस वक्त मेरा तेरे को थप्पड़ मारना जरूरी था करण। हाँ, प्रीता की सेफ्टी के लिए, मतलब पृथ्वी को देखा था ना, कैसे उसका पलड़ा भारी हो गया था, कैसे वो बिहेव कर रहा था, कैसे अपने तेवर दिखा रहा था। मैं तेरे को लिख कर देता कि अपना सारा गुस्सा प्रीता जी के ऊपर निकालता, और कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो रिश्ता भी तोड़ देता। तो
तूने पिछली बार उसको होटल में एक्सपोज करने की कोशिश करी थी, क्या किया था उसने? यही तो किया था, रिश्ता तोड़ा था ना उसने। करण, अब अगर फिर से ऐसा होता ना, सरला आंटी की फैमिली को बहुत दुख पहुंचता। जरा सोच कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती उनको। तो पिछली बार तूने समझदारी दिखाई और तूने पृथ्वी से माफी मांग ली, तो तूने बात को संभाल लिया। इस बार फिर से वही होता, या तो सरला आंटी तेरे से रिक्वेस्ट करती, या तो उनके चेहरे देखकर पृथ्वी से माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाता। और मेरा वो एक थप्पड़ ना इन सब बातों को रोकने का एक तरीका था। यू अंडरस्टैंड दैट? मैंने बड़े भाई होने का हक नहीं जताया, मैंने बड़े होने का फर्ज निभाया। मेरी बात को समझ। अगर तू उसके सामने खड़े होकर उससे माफी मांगता, वो तेरे से ज्यादा मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होती। क्या लगता है तेरे को? मेरे को दुख नहीं पहुंचा तेरे को? मैंने वहां पे सबके सामने थप्पड़ मारा, मेरे को अच्छा लगा? मेरे ऊपर क्या बीती मैं जानता हूं। मैं यहां पर ऐसे ही नहीं आया। दिखा मेरे को, किधर मारा मैंने तेरे को थप्पड़? किधर मारा? अरे मेरा बच्चा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं है, वो शैलन उस चेंजिंग रूम से गायब कहाँ गए? तेरे को पूरा यकीन है कि तूने शैलन को देखा था? तुझे अभी भी यही लगता है कि पृथ्वी के साथ शैलन उस रूम में नहीं थी? हाँ, तो मालूम है कि पृथ्वी गलत है। मुझे ये भी मालूम है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। शर्लिन के साथ? मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे पास सबूत नहीं है शर्लिन के ऊपर शक करने के लिए। लेकिन हाँ, पृथ्वी गलत है। जब तक मैं उसका पर्दाफाश नहीं करता, मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ मैं आराम से नहीं बैठूंगा। हैप्पी? हैप्पी? अरे अब तो हंस दे यार। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पृथ्वी सिर्फ पीता को धोखा नहीं दे रहा, कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है वो कमीना। और वो खतरनाक खेल क्या है इसका जरा सा भी आइडिया नहीं है हमें। मुझे बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। जब तक मैं उसकी सारी सच्चाई नहीं जान लेता, चैन की सांस नहीं लूंगा। आई होप पृथ्वी करण को दोबारा मजबूर ना करे माफी मांगने के लिए। बेचारा करण एक बार पहले भी मेरी खातिर, माँ की खातिर पृथ्वी के आगे झुक गया था। मैं नहीं चाहती कि इस बार फिर उसे उसी तकलीफ और शर्मिंदगी से गुजरना पड़े। करण थोड़ा जिद्दी है, जो उसे सही लगता वही करता है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। पता नहीं इस बार क्या होगा। पृथ्वी तो लगता है करण से बहुत ज्यादा गुस्सा है। माँ भी ना, जैसे ही उनको लगता है कि पृथ्वी और मेरे रिश्ते के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होने जा रही है, वो बहुत अपसेट हो जाती है। पिछली बार भी गुस्से में आकर उन्होंने करण को चांटा मार दिया था, और सिर्फ हमारी खुशी के लिए करण ने पृथ्वी से माफ़ी मांग ली थी। अपना स्वाभिमान भूल गया और पृथ्वी को सॉरी भूल दिया। पता नहीं उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। नहीं नहीं, मैं उसे पृथ्वी से दोबारा माफ़ी नहीं मांगने दे सकती। मेरी खातिर वो अपनी खुददारी को दांव पर नहीं लगाएगा। लेकिन कैसे रोकूं मैं ऐसा होने से? क्या करूं, क्या बोलूं? आपका घर आ गया। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? चलिए। एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए। पृथ्वी जी, मैं जानती हूँ कि आज उस स्टोर में जो कुछ भी हुआ, आप उस वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज अंदर जाकर माँ से इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा, प्लीज। I'm really sorry, पिताजी, पर मैं आपकी ये रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि आज स्टोर में मेरे और करण के बीच में जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई के बारे में जानना सरला आंटी का बहुत जरूरी है। आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप माँ से ये सब बातें कहेंगे ना तो माँ को बहुत गुस्सा आएगा, उनका बीपी बढ़ जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। देखिए प्रीता जी, मैं सब बात समझता हूँ, लेकिन वो करण कोई मौका नहीं छोड़ता, हमेशा बेवजह मेरी इंसल्ट करता रहता है। अब बेवजह किसी इंसान पर इल्जाम लगाना गलत बात है ना। आपको झूठ नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जब ऋषभ ने उसे थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसे बिल्कुल सही सजा मिली, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे लोग ना इसी तरह सुधरते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप शराफत की बात करते हैं और इतना नेगेटिव सोचते हैं, आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए था। मैंने आज तक आपसे कोई फेवर नहीं मांगा है। अगर आपके मन में मेरे लिए जरा भी इज्जत है तो प्लीज आप माँ से कुछ मत कहिए। करण ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे मिल गई ना, तो अब बार बार किसी को नीचा दिखाने का क्या मतलब है। आप तो अच्छे इंसान हैं, इतने शरीफ हैं, इतने समझदार हैं, मेरी माँ को बेवजह परेशान। देखिए प्रीता जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज स्टोर में मेरे और करण के बीच में जो भी हुआ उसके बारे में मैं आंटी को सिर्फ इसलिए बताना चाहता था ताकि आंटी उस करण को कंट्रोल कर सके, ताकि दोबारा वो ऐसी ऐसी गंदी और नीच हरकत ना करे।